इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अहम फैसला सुनाया और उसके मुताबिक ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में एएसआई का सर्वे होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से सदियों पुराना विवाद सुलझ सकता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद। मथुरा में स्थित मंदिर और मस्जिद का सदियों पुराना विवाद कानूनी रास्ते से अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश सुनाया। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिस्से को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष लंबे समय से मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा था। ये तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का भी ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की तारीख पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल 16 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य न बताकर खारिज करने की मांग कर रहा था, जबकि हिंदू पक्ष सर्वे के जरिए सच सामने लाने की मांग कर रहा था। दरअसल पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन को हिंदू पक्ष को देने की मांग की है। 1968 में इस जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है। माना जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। और मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज भी इसमें सहयोग देगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।